नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। 11 या 12 नवंबर कब है देव उठनी एकादशी? जानी तिथि, शुभ मुहूर्त, व्रत नियम और भोग रेसिपी। हिंदू धर्म में देव उठनी एकादशी का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इसे प्रबुधनी या देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार देव उठनी एकादशी का व्रत 12 नवंबर को रखा जाएगा। इस दिन से सभी शुभ व मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार देव उठनी एकादशी के दिन ही जगत के पालनहार भगवान विष्णु 4 महीने बाद योग निद्रा से जागते हैं और पुनः सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। आपको बता दें कि इस दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी के विवाह का भी प्रावधान है। तो चलिए जानते हैं देव उठनी एकादशी पर बनाई जाने वाली रेसिपी और तिथि। शुभ मुहूर्त, देव उठनी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाया जाता है। आप श्री नारायण और माता लक्ष्मी को पेड़े या खीर का भोग लगा सकते हैं। पेड़ा बहुत ही आसान रेसिपी है। इसे दूध, चीनी, इलायची पाउडर से तैयार किया जाता है। पूरी रेसिपी के लिए यहाँ क्लिक करें। इस बार कार्तिक माह की एकादशी 11 नवंबर को शाम के 6:46 पर लेकर 12 नवंबर को शाम 4:04 तक रहेगी। ऐसे में 12 नवंबर को उदय तिथि में होने के कारण देव उठनी एकादशी का व्रत इसी दिन रखा जाएगा। वहीं इसका पारण 13 नवंबर को सुबह 6 बजे के बाद किया जाएगा। एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन कई कार्य करना वर्जित माना जाता है। एकादशी के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दिन मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह होता है। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।